हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ प्रियंका एंड दिस वीडियो इज़ रिलेटेड टू सीटेट एंड अदर कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशंस। तो आज मैं जो टॉपिक लेके आई हूँ, हालांकि मैं बहुत लेट के लेके आई हूँ ये टॉपिक, आप सभी इसके बारे में ऑलरेडी परिचित होंगे, बट जो है बहुत ऐसे स्टूडेंट होंगे जो इसके बारे में अभी भी नॉलेज नहीं होगा उनको। तो आज मैं लेके आई हूँ नई शिक्षा नीति 2020 जो लागू किया गया है इसके बारे में। तो इसको आप ध्यान से सुनिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा, बहुत ऐसे इसमें टॉपिक है जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। करंट में इससे क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए मुझे लगा कि इसको कवर करा देना चाहिए। हालांकि मैं जानती हूँ कि मैं बहुत बहुत ज़्यादा लेट हूँ, लेकिन प्लीज़ आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, बहुत ऐसे चीज़ हैं जो आपको पहले से नहीं पता होगा, अब पता चल जाएगा। तो चलिए बिना देरी किए हुए अब मैं स्टार्ट कर रही हूँ। वीडियो पसंद आता है प्लीज़ इसे लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पे अगर आप नए होंगे तो इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो आप देख रहे हो नई शिक्षा नीति जो 2020 में लागू की गई है। अब स्टार्टिंग में आप इसको देख लीजिए कि भारत की शिक्षा नीति है, ठीक है। नई शिक्षा जो नीति है वो भारत की शिक्षा नीति है। इसे भारत सरकार द्वारा 29 जुलाई 2020 को घोषित किया गया है। कब किया गया है, आपका एक क्वेश्चन यहीं पर बन रहा है कि 29 जुलाई 2020 को यह घोषित किया गया। यह भारतीय शिक्षा प्रणाली को 1986 में जारी हुई शिक्षा नीति के बाद यह पहला नया बदलाव प्रदान करती है। यानी पहली कब हुई थी, तो 1986 में, और अब उसके बाद 29 जुलाई 2020 को ये किया गया है, ये पहला बदलाव है। ये आपका यहाँ पर दो क्वेश्चन बन रहा है। अब इसकी पृष्ठभूमियों के बारे में जान लीजिए, ओके। ये कह रहा है कि भारतीय संविधान के नीति निर्देशक तत्वों में कहा गया है, कहाँ कहा गया है, तो नीति निर्देशक तत्वों में कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की जाए। कब तक, तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए। 1948 में डॉक्टर राधा कृष्ण की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का गठन हुआ था। किसके, तो राधा कृष्ण की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का गठन हुआ था, तभी से राष्ट्रीय शिक्षा नीति का निर्माण होना भी शुरू हो गया था। कोठारी आयोग कब से है, तो ये याद रखिएगा, ये कब से है, तो 1964 से 1966 की सिफारिशों पर आधारित 1968 में पहली बार महत्वपूर्ण बदलाव वाला प्रस्ताव इंदिरा गांधी के काल में पारित हुआ था, ठीक है। तो आप सभी इसको स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा, या फिर वीडियो को बार बार देख के जितने इसमें इम्पॉर्टेंट टॉपिक बन रहे हैं उसको नोट डाउन कीजिएगा। हालांकि ये वीडियो ही आप सभी के लिए बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि अगस्त 1985 शिक्षा की चुनौती नामक एक दस्तावेज तैयार किया गया। तो ये भी आपका एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है, कब, तो 1985 में अगस्त, शिक्षा की चुनौती एक दस्तावेज था, ठीक है, जिसमें भारत के विभिन्न वर्गों जैसे बौद्धिक, सामाजिक, राजनीतिक, व्यावसायिक, प्रशासनिक आदि ने अपनी शिक्षा संबंधी टिप्पणियाँ दी, ठीक है। इसमें क्या था, शिक्षा संबंधी टिप्पणियाँ दी, और 1986 में भारत सरकार ने नई शिक्षा नीति का प्रारूप तैयार किया। इतने होने के बाद उसके बाद इसका प्रारूप तैयार किया गया। इस नीति के सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता यह थी कि इसमें सारे देश के लिए एक समान शैक्षिक ढांचे को तैयार किया, और अधिकांश राज्यों ने 10+2+3 की संरचना को अपनाया, ठीक है। 10+2 हो गया, और प्लस थ्री ईयर आपका जो BA BCom BSc आप करते हो उसका संरचना जो है वो लोग अपनाएं। और आगे कह रहा है इसमें कि इसे राजीव गांधी के प्रधानमंत्रित्व में जारी किया गया था। ये भी आपका एक क्वेश्चन बन रहा है कि कब, तो जो राजीव गांधी थे प्रधानमंत्री, उनके अंडर में ये तैयार किया गया था। आगे इसमें कह रहा है कि इस नीति में 1992 में संशोधन किया गया, तो ये भी आपका एक क्वेश्चन यहाँ पे बन रहा है। 2014 के आम चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के चुनावी घोषणा पत्र में एक नवीन शिक्षा नीति बनाने का भविष्य शामिल था। 2014 में ही ये यहाँ पे डिस्कस कर लिया गया था, अनाउंसमेंट हो गया था कि इसमें कुछ बदलाव किया जाएगा। 2019 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने नई शिक्षा नीति के लिए जनता से सलाह मांगना शुरू कर दिया। तो कब, तो 2019 से ही स्टार्ट हो गया था जनता से सलाह लेना। अब मुख्य परिवर्तन कौन कौन से हुए इसके बारे में जान लीजिए। इस नीति में मानव संसाधन मंत्रालय का नाम पुनः शिक्षा मंत्रालय करने का फैसला लिया गया, ये भी क्वेश्चन आपका बन रहा है। इसमें समस्त उच्च शिक्षा, ठीक है, उच्च शिक्षा में आपका कौन कौन से इंक्लूड होता है, तो कानूनी और चिकित्सीय शिक्षा को छोड़कर, ठीक है, बाकी सब उच्च शिक्षा में सम्मिलित होते हैं।
के लिए एक एकल निकाय के रूप में भारत उच्च शिक्षा आयोग का गठन करने का प्रावधान है। ओके, आगे कह रहा है कि इसमें संगीत, खेल, योग आदि को सहायक पाठ्यक्रम या अतिरिक्त पाठ्यक्रम के बजाय मुख्य पाठ्यक्रम में ही जोड़ा जाए। यानी ये पहले एक्स्ट्रा सब्जेक्ट थे, अगर आपको इच्छा है तो आप ले सकते हो, नहीं इच्छा है तो नहीं ले सकते हो, लेकिन अब जो है ये मुख्य में ही इंक्लूड हो गया। और आगे कह रहा है कि शिक्षा तंत्र पर सकल घरेलू उत्पाद का कुल 6% खर्च करने का लक्ष्य किया गया है। तो ये भी आपका एक क्वेश्चन बन रहा है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो इस समय 4.43% है। ओके, एमफिल को समाप्त किया जाएगा, ये भी है, एमफिल को यहाँ पर समाप्त कर दिया गया है। अब अनुसंधान में जाने के लिए 3 साल के स्नातक डिग्री के बाद 1 साल स्नातकोत्तर करके पीएचडी में प्रवेश लिया जा सकता है। यानी यहाँ पे आपका पीजी 1 साल के बाद ही आप पीएचडी कर सकते हो। ओके, आगे यहाँ पे कह रहा है कि नीति में शिक्षकों के प्रशिक्षण पर विशेष बल दिया गया है। ठीक है, शिक्षकों के जो परीक्षण होते हैं उस पर विशेष बल दिया गया है, क्योंकि शिक्षा नीति ही शिक्षकों पे आधारित है। व्यापक सुधार के लिए शिक्षक परीक्षण और सभी शिक्षा कार्यक्रमों को विश्वविद्यालयों या कॉलेजों के स्तर पर शामिल करने की सिफारिश की गई है। प्राइवेट स्कूलों में मनमाने ढंग की फीस रखने और बढ़ाने को भी रोकने का प्रयास किया गया है। हालांकि ये तो डिस्कस किया गया है, लेकिन करने और कहने और करने में बहुत फर्क होता है। देखिए सरकार आगे तक कितना काम कर सकती है। आगे इसमें कह रहा है कि पहले समूह के अनुसार विषय चुने जाते थे, यानी आप कॉमर्स क्षेत्र में जा रहे हो तो कॉमर्स के सब्जेक्ट लोगे, साइंस में जा रहे हो तो साइंस के सब्जेक्ट लोगे, आर्ट्स के अलग थे, यानी समूहों में बांटा गया था। तो कह रहा है लेकिन किंतु अब उसमें भी बदलाव किया गया है। जो छात्र इंजीनियरिंग कर रहे हैं वह संगीत को भी अपने विषय के साथ पढ़ सकते हैं। यानी अगर आप साइंस ले रहे हो तो उसमें आर्ट्स के भी कुछ आप सब्जेक्ट ले सकते हो, ये नहीं है, और कॉमर्स वाले भी कुछ साइंस के सब्जेक्ट ले सकते हैं, आर्ट्स के सब्जेक्ट ले, मतलब जो आपकी इच्छा करे, जो बच्चे की इच्छा करे वो अपना सब्जेक्ट चुन सकते हैं, वो फुल्ली खुला द्वार रहेगा। ठीक है, यानी आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस के जो क्षेत्र थे उसको समाप्त कर दिया गया है। इसके कारण क्या होता था कि स्टूडेंट में मनमाने बीच में साइंस वाले कॉमर्स को वैल्यू नहीं देते थे, कॉमर्स वाले आर्ट्स को वैल्यू नहीं देते थे, तो इस प्रकार को सबको समाप्त करके सबको एक बराबर कर दिया गया है। ओके, अब आगे जान लेते हैं। आगे कह रहा है कि नेशनल साइंस फाउंडेशन के तर्ज पर नेशनल रिसर्च फाउंडेशन लाई गई है, ये भी आपका एक क्वेश्चन बन रहा है, जिससे पाठ्यक्रम में विज्ञान के साथ सामाजिक विज्ञान को भी शामिल किया जाएगा। नीति में पहले और दूसरे कक्षा में गणित और भाषा एवं चौथे और पांचवी के बालकों के लिए लेखन पर जोर देने की बात की गई है। ठीक है, तो ये भी आपका क्वेश्चन बन रहा है कि पहला और दूसरा में गणित जो है और भाषा और चौथे और पांचवें में कक्षा के जो बालक होंगे उनको लेखन पे जोर दी जाएगी। आगे इसमें कह रहा है कि स्कूल में 10+2 फॉर्मेट के स्थान पर 5+3+3+4 फॉर्मेट शामिल किया जाएगा। यानी 10+2+3 जो था उसको 5+3+3+4 में बदल लिया गया है। ओके, इसके तहत पहले 5 साल, यानी इसमें जो पहला 5 साल बन रहा है वो प्री प्राइमरी स्कूल, ओके, 3 साल और कक्षा की 1 साल, ठीक है, 3 साल आपके प्री प्राइमरी हो जाएंगे और कक्षा के 1 और कक्षा 2 सहित फाउंडेशन स्टेज में शामिल होंगे, समझ गए। यानी 5 साल जो कक्षा के पहले 5 साल है उसमें 3 साल आपके प्री प्राइमरी हो जाएंगे और कक्षा 1 और कक्षा 2 को फाउंडेशन स्टेज पे शामिल होंगे। पहले जहाँ सरकारी स्कूल कक्षा 1 से शुरू होती थी वहीं अब 3 साल प्री प्राइमरी के बाद कक्षा 1 से शुरू होगी। यानी 3 साल प्री प्राइमरी करने के बाद कक्षा 1 से शुरू होगी। ओके, इसके बाद कक्षा 3 से 5 के 3 साल शामिल किए गए, 3 से 5 आपके 3 साल हो गए, और इसके बाद 3 साल मिडिल स्टेज में आएगी। ठीक है, 5+3+3 का ये फॉर्मेट हो गया। उसके बाद करें कक्षा 6 से 8 तक की कक्षा चौथे स्टेज कक्षा 9 से 12 तक का होगा। समझ में आ गया ये फॉर्मेट जो है 4 साल का जो लास्ट में आ गया उसकी बात कर रहा है। पहले जहां 11वीं से कक्षा से
विषय चुनने की आजादी थी वही अब 9वीं कक्षा से रहेगी, ठीक है। यानी जो 11th में आप जाते थे और सब्जेक्ट चूज करते थे, आप 9वीं में ही जाके सब्जेक्ट को चूज कर सकते हो। आगे इसमें कह रहा है कि शिक्षण के माध्यम के रूप में 1 से 5 तक की मातृभाषा का इस्तेमाल किया जाएगा, यानी कक्षा 5 तक जो है मातृभाषा जो है मदर टंग को इस्तेमाल किया जाएगा। इसमें रट्टा विधि को जो है खत्म करने की कोशिश की जाएगी, जिसको मौजूदा व्यवस्था की बड़ी खामी माना जाता है। ओके, रट्टा विधि जितनी थी उसको खत्म किया जाएगा। किसी कारणवश विद्यार्थी उच्च शिक्षा के बीच में ही कोर्स छोड़कर चले जाते हैं। बहुत ऐसे रीज़न होते हैं जिसमें स्टूडेंट जो है बीच में ही कोर्स को छोड़ देते हैं, तो उनका फिर रिजल्ट नहीं मिलता है, उनका स्टॉप हो जाता है, वहीं पर फ्यूचर जो है वो स्टॉप हो जाता है। लेकिन इसमें भी बदलाव किया गया है। आगे कह रहा है कि ऐसा करने पर उन्हें कुछ नहीं मिलता था, उन्हें डिग्री के लिए दोबारा से नई शुरुआत करनी पड़ी थी। नई शिक्षा में पहले वर्ष में कोर्स को छोड़ने पर प्रमाण पत्र मिल जाएगा, आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। दूसरे वर्ष में छोड़ने पर आपको डिप्लोमा मिलेगा और अंतिम वर्ष में छोड़ने पर आपको डिग्री देने का प्रावधान है। ओके, अब आती है प्रतिक्रिया। ओके, तो नई शिक्षा नीति में घोषणा के उपरांत बुद्धिजीवियों, आम जनता और जगत में मिलीजुली प्रतिक्रिया रही। वही मुख्यतः इसमें घोषित बदलावों का स्वागत किया है, लेकिन इसके कई लक्ष्य को पूरा होने पर संदेह व्यक्त किया गया। यानी अगर जो सरकार है तो इसमें तो बदलाव कर दी है, लेकिन इसको पूरा करने में कितना सक्षम होंगी इसको अब देखना है। शिक्षा पर GDP के 6% खर्च करने का लक्ष्य बहुत पुराना है, जिसे फिर से दोहराया गया है। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के कुलपति M. जगदीश कुमार ने इस नीति को समावेशी कहा है। यह भी आपका एक क्वेश्चन बन रहा है। कांग्रेस नेता एवं सांसद शशि थरूर का कहना है कि इस नीति में रखे कई लक्ष्य ऐसे हैं जिनके पूर्ण होने की संभावना कम है। BBC के अनुसार इस नीति में RSS की पद्धति और योजना को शामिल किया गया है। ओके, और साथ में कह रहा है कि दिल्ली विश्वविद्यालय के संगठन डूटा जो है ने इसकी कड़ी आलोचना करते हुए आपत्तिजनक माना है, जिसका कहना है कि इसके द्वारा विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता को बोर्ड ऑफ गवर्नर के जिम्मे झोंक देना अनुचित है। ठीक है, तो ये आ गए यहाँ पे संदर्भ, ये कोई इम्पॉर्टेंट नहीं है। साथ में ये भी आप सभी को बता दें कि शिक्षक जो इन फ्यूचर बनने वाले थे उसमें DED और BED कोर्स होते थे, जिसमें DED को समाप्त कर दिया है। DED अब कोर्स नहीं होगा, अब आप सभी के लिए सिर्फ BED कोर्स रहेगा और DED को समाप्त कर दिया गया। ओके, हाँ, जो DED पहले कर चुके हैं उनकी मान्यता रद्द नहीं की गई है, लेकिन इन फ्यूचर अब DED कोर्स नहीं होगा। ओके, तो ये थी आज शिक्षा नीति। अगर आप सभी को फिर भी कोई डाउट रह जा रहा है तो कमेंट बॉक्स में मेरे से जरूर पूछिएगा, मैं उसका आंसर ज़रूर दूंगी। साथ में मैं रात को 9 बजे लाइव आके पढ़ाती थी, लेकिन अभी कुछ मुश्किलें चल रही हैं, मैं फिर से क्लास कुछ दिन में स्टार्ट करने की कोशिश करूँगी। फिलहाल मैं शॉर्ट्स में आप सभी को वीडियो प्रोवाइड कराऊँगी, तो इसलिए थोड़ा पेशेंस रखिएगा। रात को लाइव न आके मैं आप सभी को शॉर्ट में NCERT बुक जो साइंस में चला रही थी उसका मैं वीडियो बना के डाल दूंगी, आप उस वीडियो को ही देख के नोट डाउन कर लीजिएगा, नोट्स अपना तैयार कर लीजिएगा। जब मुझे टाइम मिलेगा मैं आके आप सभी को फिर से लाइव आके डायरेक्ट कवर कराऊंगी। ओके, तो चलिए, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलूंगी मैं नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।